धनतेरस के दिन भूलकर भी ना खरीदेंगे चीजें वरना हो सकता है भारी नुकसान। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दिवाली से पहले हम धनतेरस का त्यौहार मनाते हैं। दिवाली के दौरान धनतेरस सनातन धर्म के अनुसार काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ये पर्व हर वर्ष कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस बार हम सभी धनतेरस 29 अक्टूबर को मनाएंगे। ये त्यौहार नरक चतुर्दशी से एक दिन पहले आता है और इसे विशेष रूप से समृद्धि, धन और स्वास्थ्य के लिए मनाने की परंपरा है। जिस तरह दिवाली के दिन हम लक्ष्मी पूजा करते हैं, ठीक वैसे ही धनतेरस के दिन हम कई नई चीज़ों की खरीदारी करते हैं। धनतेरस में बाजार भी काफ़ी सजे होते हैं। बाजारों में कई आकर्षक चीज़ें देखकर हम भी खींचे चले जाते हैं, लेकिन धनतेरस में आपको काफ़ी सोच समझकर खरीदारी करने की ज़रूरत है। हम धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी, माँ लक्ष्मी और कुबेर की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि इस दिन कुछ ना कुछ खरीदने से समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। हालांकि इस दिन कुछ चीज़ें खरीदने से माँ लक्ष्मी नाराज भी हो सकती हैं, जिससे धन की कमी हो सकती है। आज हम आपको बताएंगे कि वे कौन सी चीज़ें हैं जो धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। इसमें सबसे पहली चीज़ है कांच की वस्तुएं। धनतेरस के दिन कांच से बनी वस्तुएं घर पर लाना अशुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कांच का संबंध राहु ग्रह से होता है। इस दिन कांच की चीज़ें खरीदने से नकारात्मकता का अनुभव भी हो सकता है, जिससे घर में अशांति फैल सकती है। वहीं दूसरे नंबर पर है तेल खरीदना। धनतेरस के दिन तेल या रिफाइंड का खरीदना भी ठीक नहीं है। कई बार लोग घर में दिए जलाने के लिए उसी दिन तेल या घी खरीदते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं और आपके जीवन से धन समृद्धि का वियोग हो सकता है। अगर आप दीपक जलाने के लिए घी या सरसों के तेल का उपयोग करना चाहते हैं तो इन्हें पहले ही खरीद कर रख लें। अब है लोहे की वस्तुओं का त्याग। लोहे की वस्तुओं को भी इस दिन खरीदने से बचना चाहिए। लोहे की वस्तुएं खरीदने से नकारात्मकता बढ़ सकती है और धन के देवता कुबेर नाराज हो सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक लोहे की चीज़ें घर में कलह और उथल पुथल का कारण बन सकती हैं। यदि किसी लोहे की चीज़ की आवश्यकता है तो उसे धनतेरस से एक दिन पहले खरीदना बेहतर होगा। धनतेरस के दिन धारदार सामान जैसे चाकू, कैंची या अन्य नुकीली वस्तुएं खरीदने से बचें। ऐसा करने से घर में अनहोनी की आशंका बढ़ सकती है और परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा धनतेरस पर प्लास्टिक से बनी चीज़ें खरीदने से भी बचना चाहिए। प्लास्टिक वस्तुएं इस दिन शुभ नहीं मानी जाती हैं। साथ ही आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी नहीं खरीदनी चाहिए। त्यौहार का समय है तो कई बार हम कई तरह के कपड़ों की खरीदारी भी करते हैं, लेकिन धनतेरस पर काले रंग के कपड़े खरीदना भी ठीक नहीं है। इसे अशुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काले रंग का संबंध शनि ग्रह से होता है। यदि इस दिन काले रंग के कपड़े खरीदने जाते हैं तो शनि के क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। धनतेरस का पर्व एक ऐसा अवसर है जब हम अपने घर को धन और समृद्धि से भरने का प्रयास करते हैं। इस दिन वस्तुएँ खरीद कर और सही तरीके से पूजा करने से हम अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि को आमंत्रित कर सकते हैं। इस पर्व का सही सम्मान करने से हम न केवल धार्मिक मान्यता का पालन करते हैं, बल्कि अपने और अपने परिवार के लिए सुख और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं। हमने जो भी जानकारी दी है वो धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक थी। यदि आपको इससे संबंधित सटीक और स्पष्ट जानकारी चाहिए तो आप इसके विशेषज्ञ से भी सलाह ले सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ये दिवाली आप कैसे मना रहे हैं हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।